24/7 teachers training, a lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, mohtaram teacher. Snowman Publishers ki janib se khush aamdeed. ये सेशन पहली जमात की वाकफियत आम्मा के बाब नंबर 3 पर है। उनवान है सेहत और सफाई। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात तालीम पर। इस बाब के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि खुद को साफ सुथरा रखने के तरीकों से आगाह हो सके, यानी खाने से पहले और बाद में हाथ धोना, बैतुल खला इस्तेमाल करने के बाद साबुन से हाथ धोना, नाखून काटना, दांतों की रोजाना सफाई, बाकायदगी से नहाना वगैरह। अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए अपने जिस्म, लिबास और माहौल की सफाई की अहमियत जान सकें कि जरासीम बीमारियां फैलाते हैं और उनसे बचाव के तरीकों के मुतालिक बता सकें, गैर सेहतमंदाना आदात के मुतालिक जान सकें जो बीमारियों यानी जकाम और पेट की बीमारियों का सबब बनती है। बच्चों को बाप की उनवान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, बाप के उनवान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज ज़ैल निकात पेश हैं। तहम ये हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जस्तजू जारी रहनी चाहिए। बच्चों से सवाल पूछें कि उन्हें अगर बुखार हो जाए तो। लेकिन मोहतरम टीचर, ये एक एक सवाल का जवाब हाँ या ना में आप मांगेंगे बच्चों से, और ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब बच्चे इज्तिमाई तौर पर भी देना चाहें तो आप मना ना करना। सवाल है कि अगर उन्हें बुखार हो जाए तो क्या वो स्कूल आएंगे, क्या उनका खेलने को दिल चाहेगा, क्या वो जंक फूड खाना चाहेंगे, क्या वो चाहेंगे कि मोबाइल पर कार्टून और मूवीज देखते रहें, क्या उनका दिल चाहेगा कि वो किसी पार्क में जाकर खेलें। अब इन सारे सवालात का जवाब यकीनन बच्चे ना में देंगे, और फिर आप उनको बता सकते हैं कि बच्चों बीमारी एक ऐसी चीज है, खासतौर पर बुखार किस्म की बीमारी, कि बंदा तंग आ जाता है, उसका कोई और काम करने को दिल नहीं करता, खेलने को दिल नहीं चाहता, नित नई चीजें खाने को दिल नहीं चाहता। फिर बच्चों से पूछें कि ये सारे काम कब कर सकेंगे, जाहिर इसका जवाब भी बच्चे दे पाएंगे कि जब उनका बुखार उतर जाए यानी वो सेहतमंद हो जाए। फिर आप बच्चों को बताएं कि बच्चों सेहत बहुत बड़ी नेमत है और इसका सफाई से बहुत गहरा ताल्लुक है। बच्चों को बताएं कि जो बाब वो पढ़ने जा रहे हैं वो सेहत और सफाई के बारे में है, और इसीलिए उसका उन्वान भी सेहत और सफाई है। यहां टीचर मैं एक और गुजारिश करता चलूं कि मैंने जैसे इससे पहले बाब में भी आपसे बात की थी कि ये चूंकि मजमून उर्दू में है तो उर्दू तलफ्फुज का आप जहां जहां जरूरी समझें अपने ख्याल करना है। अब ये जो लफ्ज सेहत है, ये आप जरा उन्वान देखिएगा कि हे पर शाद है। थोड़ा सा मुश्किल है इसको जोर देकर बोलना, लेकिन जाहिर है मश्क के साथ ही मुमकिन है। इसको सेहत नहीं कहना, सेहत कहना। अब हम आते हैं मशमूलात की तरफ। बच्चों को इस बात के दर्ज ज़ैल मशमूलात से आगाह करें, यानी उन्हें बताना है कि बच्चों हम इस बाब में ये चीज़ें पढ़ेंगे। तफसीलात तो खैर बाद में हर चीज़ की आएंगी, लेकिन जो ख़ास मौजूआत हैं इस बाब में वो ये हैं। एक तो हम बात करेंगे जिस्मानी सेहत की ज़रूरत की, क्यों ये अहम है कि हम सेहतमंद रहें, और इसका जवाब उन्हें तमहीद में भी मिल गया था। जिस्मानी सफाई के तरीके क्या हैं, और फिर बीमारियां और उनके असबाब। बीमारियां होती क्यों हैं, खासतौर पर जिनका ताल्लुक सफाई के साथ। आइए फरहंगे अल्फाज व मानी की तरफ। निस्फ आधा, हाफ
बैतुल खला, मोहतरम टीचर ये लफ्ज इस्तेमाल में तो अब नहीं है, न लिखने में आता है, न पढ़ने में आता है, न बोलने में आता है। कोई वक्त था जब ये लफ्ज इस्तेमाल होता था। अब अगर इसके लुगवी मानी पे बात करें ना, तो वो भी कुछ अजीब सा ही लगता है कि बैत के मानी होते हैं कुछ जगह और खला के मानी है इखराज के। तो जाहिर है जो हमारी हाजात खास होती है उनके लिए जो जगह होती है जिसको हम वॉशरूम कहते हैं, तो लेटरी मतलब अगर हम बैतुल खला के मानी जरूरी तौर पर उसकी तरफ जाएं तो फिर उसके मानी बनते हैं टॉयलेट या लेटरीन। अब तो लफ्ज लेटरीन भी इस्तेमाल में नहीं रहा। अब तो मैंने खुद देखा है कि गांव में भी लफ्ज वॉशरूम ही इस्तेमाल होता है सब गाँव, चाहे आपने नहाना है, चाहे आप फ्रश करना है, जो भी। लेकिन अब चूंकि ये इसमें लिखा गया है लफ्ज, तो उसके मानी बताना जरूरी। मिसवाक, दांत साफ करने की रेशादार लकड़ी। आप बच्चों को बताइएगा, गांव के बच्चों को तो पता है मिसवाक क्या हो, शहर के बच्चों को कम मालूम। आप तशरीह कर सकते हैं कि है तो ये खास किस्म की रेशादार लकड़ी मिसवाक, लेकिन लोग आम दरख्तों से भी शीशम के दरख्त से खासतौर एक मुनासिब साइज की लकड़ी तोड़कर उससे मिसवाक करते हैं, दांत साफ करते हैं। बाकायदगी से, इसका मतलब है बगैर नागक, कचरा कूड़ा करकट। हथेली, आप देखें ना, वैसे तो सबको पता है हथेली किसको कहते हैं, इसीलिए मैंने आपसे गुजारिश की थी कि बहुत से ऐसे अल्फाज फरहंगी अल्फाज और मानी में शामिल होंगे जिनके मानी आपको भी पता है और कुछ के मानी बच्चों को भी पता होंगे, लेकिन बच्चों को बताते हुए ऐसे अल्फाज के मानी के लिए आपको खास अल्फाज दरकार होंगे। और आप मानेंगे मोहतरम टीचर कि मैंने लफ्ज हथेली के मानी ये जो यहाँ लिखे हैं ये भी मैंने लुगत में से देखकर लिखे, वरना मेरे लिए भी शायद मुश्किल होता कि मैं हथेली के मानी लिख पाता। अब हथेली क्या है? हाथ का उंगलियों से नीचे वाला हिस्सा, जहां कलाई आपकी खत्म होती है, बाजू आपका खत्म होता है, आगे हाथ शुरू होता है, लेकिन कलाई खत्म होने से लेकर उंगलियां शुरू होने तक का जो हिस्सा है उसे हथेली कहते हैं। पुश्त, कमर, जिस्म का पीछे वाला हिस्सा, यानी गर्दन से नीचे से लेकर पीठ के ऊपर तक, ये कमर कहलाती। खला, खाली जगह। अब बच्चे थोड़ा बहुत क्योंकि वीडियोस देखते हैं उन्हें स्पेस के मानी मालूम है। अब एटमॉस्फेयर जहां खत्म होता है, यानी जमीन के ऊपर वहां तक जहां हवा मौजूद है, जहां ऑक्सीजन मौजूद है, उसके ऊपर फिर जहां ऑक्सीजन खत्म हो जाती है उसे स्पेस कहते हैं, उसे भी खला कहते हैं, लेकिन खला के मानी है खाली जगह। कलाई, हाथ और कोहनी का दरमियानी हिस्सा। कुली, मुंह में पानी भरकर उगलना, कुली करना, ये कुली नहीं है, कुली करना। असबाब, सबब की जमा, मानी वजूहात। मुंतकिल होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। और सबब, वजह, वायस के मानी भी वजह। तदबीर, तदबीर की जमा, तरीके। हैजा, फैलने वाली बीमारी जिसमें कै और दस्त आते हैं। दस्त का मतलब है अंग्रेजी के अलावा कुछ चारा नहीं, कि मोशंस जब लग जाए इंसान को और साथ वॉमिटिंग भी हो रही है। अब हम आते हैं मतन से मुतालिक तशरीहात, ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी ये। अब इसमें लिखा हुआ है कि छींक आने पर मुंह को ढांपना चाहिए। तो सवाल ये है, बच्चे सोच भी सकते हैं मुंह को क्यों ढांपना चाहिए। इसकी वजह यह है कि जरासीम दूसरों तक ना पहुंचे। इसके बाद है सफाई को निस्फ ईमान क्यों कहा जाता है। सफाई को निस्फ ईमान इसलिए कहा जाता है कि इसकी अहमियत जाहिर हो सके, यानी ईमान, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है खुदा पर और उसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सफाई से, चूंकि सफाई ना रखने से बीमारियां,
इसकी अहमियत जाहिर करने के लिए इसको नसीब ईमान कहा गया। और ये हदीस से मुबारका भी है। अभी तो पहली जमात है, आप हदीस बेशक ना हमको बताइएगा, लेकिन इतना बता दीजिएगा कि हदीस होती वो है कि कॉल होता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनकी कही हुई कोई बात, और उसमें ये है कि सफाई नसीब ईमान है, और ये हदीस सफाई की अहमियत बताती है। इसके बाद है कि फल और सब्जियां ताज़ा ही क्यों बेहतर हैं। इसकी आप वजाहत इस तरह बच्चों के सामने कीजिएगा कि पुराने फलों और सब्जियों से सेहत पर बुरे असरात हो सकते हैं। लहर है गली छड़ी या पुरानी सब्जियां में जरासीम भी हो सकते हैं, फिर वो हाजमे में मसाइल पैदा करते हैं। आइए अब हम आते हैं सरगर्मियाँ और अमली का। सरगर्मी है ये आप किताब आपके सामने होनी चाहिए, इसका सफा नंबर 15 आप खोलिएगा। इसमें ऊपर ये सरगर्मी है कि ज़ैल में दी गई तस्वीर को देखते हुए क्लास में हाथ धोने की मशक करें। तो इसमें मैंने तजवीज ये किया है कि मशक तो आप जाहिर है जो तस्वीर दी हुई है उनके मुताबिक करवाएंगे, लेकिन दी गई तस्वीर के मुताबिक हाथ धोने की मशक पानी और साबुन के बगैर भी करवाई जा सकती है। देखिए याद रखें, मौसम टीचर बहुत सारी सरगर्मियां आगे भी आएंगी, बात सरगर्मियां जो किताब में दी होती है ना, जिनका तरीका करने वो बाज़ोकात सच बात है कि सहूलत के साथ काबिल अमल नहीं होती। आप अपनी आसानी जरूर देखा करें। अब ये आप फर्ज कर लें, बच्चों को बताएं कि भाई पानी है और साबुन भी है, वैसे ही उसकी मशक आप करवा दें। दांत साफ करने का तरीका सफा 15 पर, वैसे तो बच्चे रोजाना करते हैं लेकिन इसमें मेरी समझ के मुताबिक खास बात बच्चों को बताने की है और इसमें इस तरीके में उसका जिक्र नहीं है, वो ये है कि डॉक्टर भी यही बताते हैं, दंतान साज भी, डेंटिस्ट भी, कि बुरश को दाएं बाएं की बजाय ऊपर नीचे हरकत देने पर बात करें। इसलिए कि अगर आप दाएं बाएं बच्चे जैसा बड़े भी उसको हरकत देंगे बुरश को, तो मसूड़ों के मुतासर होने का खतरा होता है। मकसद तो होता है कि दांतों के दरमियान जो खला है उसमें कोई खाने पीने के ज़र्रात अगर फंस गए हों तो उनको निकालना है। इसके बाद है कि ग़िज़ा या गंदगी वाली जगह की वजह से बीमार होने के बारे में बताना। ये सरगर्मी सफ़र नंबर 16 पर है। बच्चों की इसमें हौसला अफजाई बहुत है और उनको टोकना नहीं, उनको एतमाद देना है कि वो आके बताएं। उनके तजर्बात तो ज़रूर होते हैं। ये है कि क्या आप कभी किसी गजा या गंदगी वाली जगह की वजह से बीमार हुए हैं? क्लास में बाकी तलबा को इसके मुताबिक बताएं। हर बच्चे को बुलाना ज़रूरी नहीं, आप जो बच्चे तैयार हों उनसे शुरू करें और बच्चा आके उसको हौसला दें आप कि बताएं बेटा कभी आप हुए हैं इस तरह कि कोई गलत चीज़ खा ली, गंदी जगह की वजह से या गजा की वजह से आप बीमार हुए हो, तो बताएं फिर आपका तजुर्बा कैसा रहा, आपने क्या खाया था जिसका बाद में भी आपने अफसोस किया, घर वालों ने भी आपको कहा यार आपने क्यों ये चीज़ खा ली। आखिरी सरगर्मी है कि दिए गए सवाल यानी हम अपने घर और मोहल्ले को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं। ये सफ़र नंबर 17 पर जुबानी बताइए के तहत है। इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, यानी बच्चों को एतमाद देके उन्हें कहें कि वो अपनी तजावीज दें। अब घर में जाहिर बात है जो एक दो खास निकात मैं आपके जरिए बच्चों तक पहुंचाना चाहूंगा कि भी सफाई तो बाद की बात है, हम अगर गंद ही ना डालें, हम चीजें ना फेंकें इधर उधर, तो सफाई का काम कम हो जाएगा। इस तरह हम उनकी मदद कर सकते हैं घर वालों की। और मोहल्ला यूँ तो बड़ा अजीब लगता है कि मोहल्ले की सफाई से हमारा ताल्लुक है, उसमें भी यही चीज़ अप्लाई होती है कि हम मोहल्ले में भी गंदी चीज़ें न फेंकें, और अगर रास्ते में कोई कागज़ कोई रैपर हमारे रास्ते में आ रहा है तो कोई हर्ज है कि उसको हम उठा के कूड़ादान में फेंकें। मोहतरम टीचर ये सेशन यहाँ तक ही, आपकी समाअत का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ नासिर।